हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ग्रीष्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं बाहर की रोड का क्यों शूट कर रही हूँ, तो मैं घर से शूट नहीं कर पाई थी इसलिए मैंने बाहर स्टार्ट कर दिया। और मैं बाहर क्यों हूँ ये आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा, बाय टाइटल भी आपको पता चल गया होगा। और ये मेट्रो स्टेशन था 137 का। और ये देखिए, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हम लोग हॉस्पिटल गए थे क्योंकि हम लोग को वैक्सीन लगवानी थी, हम लोग ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया था। तो ये देखिए, हम लोग वहाँ पे थे, ये हॉस्पिटल का एंट्रेंस था। तो मेरे हस्बैंड पता कर रहे थे कि कहाँ पे कौन सा लग रहा है। एक कोवैक्सीन था, एक कोविशील्ड था। हम लोग को कोवैक्सीन वाला लगवाना था। तो इनके मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, वो बोल रहे थे कोवैक्सीन लगवाना, वो ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखिए, यहाँ पे कोवैक्सीन वाली लाइन थी और एक कोविशील्ड की। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए अलग लाइन थी, उसके बाद ही आगे कोई प्रोसेस होगा। हमने ऑनलाइन ट्राई किया था पर ये बोले कि नहीं, आपको यहाँ पे आके कराना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हॉस्पिटल का नाम है, मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम लोग गवर्नमेंट में नहीं लगाए। मेरे हस्बैंड बोले थोड़ा पैसा लगेगा, कोई बात नहीं, बट प्राइवेट में लगवाऊंगा, गवर्नमेंट में बच्चे को लेकर जाना थोड़ा सेफ़ नहीं है, क्राउड वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, हम लोग ये थोड़ा सा हॉस्पिटल का मैंने शूट कर लिया था। वहाँ से हम लोग उसके बाद यहाँ पे आ गए थे नीचे, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराना था। फिर उसके बाद दूसरी जगह वो लोग ने हमको भेजा बिल, मतलब अमाउंट पे करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे भी बहुत लाइन थी, मतलब बहुत, वो बोले कि वीकेंड है ना, सैटरडे संडे की वजह से इतना मतलब है, नहीं तो इतना नहीं होता। वीकडेज में आप आओगे तो इतना नहीं रहता। ये देखिए कैसे उछल रहा है वीडियो देखकर। ये देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगवा रहे थे, मैंने उनको परमिशन ले लिया, मैंने कहा कि मैं मतलब वीडियो शूट कर सकती हूँ थोड़ा सा। तो बोले कि हाँ, क्योंकि मैं सबको देखती हूँ वीडियो या फ़ोटो, तो मुझे भी मतलब लेना था। तो मैंने उनको पूछ लिया कि मैं भी ले सकती हूँ क्या, बोले हाँ कोई इशू नहीं है, आप ले सकती हो। तो ये मेरे हस्बैंड लगवा रहे हैं, मैंने इनका वीडियो ले लिया, देख रहे हैं इनको कोई फ़र्क ही नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस पे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल, उल्टा खुशी हो रहे थे। मुझे तो बहुत दर्द हुआ था, मतलब दर्द देख के इतना ज़्यादा हुआ था, बल्कि लगाने पे उतना नहीं हुआ, तब भी लगा तो है। अभी भी मेरे मतलब 2 दिन हो गया, सैटरडे संडे, तभी भी मेरे मतलब हाथ में पेन है। पर मैं डर रही थी, मैं उनको बोली मैं लगवाऊंगी नहीं, मैं जा रही, वो बोले नहीं आप देखो मत, कुछ नहीं होगा। तो फिर भी मेरे मुंह से आ निकल गया था, मेरा बच्चा मुझे देख के खूब हंस रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हार्ड कॉपी लेने आ गए, तो वो देखिए मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़े हैं, वो लोग बोले थे हार्ड कॉपी ऊपर से ले लेना। अभी मैं जा रहा हूँ मॉल चेक करने की, खुला कि नहीं, ला 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 ला। आज तो सैटरडे है, आज तो बंद ही रहेगा। अरे देखने तो जाएंगे। क्यों जाएंगे देखने? देखने कोई जाता है क्या मॉल? आप भी बताओ, चेक करने के लिए कोई जाता है? इतना टाइम है किसी के पास? ये चेक करने जाएंगे खुला है कि नहीं। सैटरडे संडे बंद ही होता है ना बाबू। अरे चेक करेंगे ना, ले दिखा देंगे हम इसे तुमको, मिला देंगे और मम्मी आ गई का, हम यहाँ गई का, तुम वर्षा गई का। ये देखिए, हम लोग वहाँ से आ गए थे। अब ये मेरे बच्चे का स्कूल है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बाहर जहाँ बस खड़ी थी वहाँ से स्टार्ट है। मुझे बहुत लोग पूछे कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, मतलब वहाँ की फ़ीस वगैरह क्या है, मतलब वो है कौन सी जगह पर या कैसा है। तो मैंने छोटा सा एक वीडियो बना लिया उसका भी, मैंने मेरा ट्रैवल ब्लॉग जो है उसमें मैंने इसका स्कूल शेयर किया है, बट जो नहीं देखे होंगे वो आप देख सकते हो उसमें अंदर से भी। ये तो मैं बाहर से शूट कर रही हूँ तो मुझे याद आ गया, तो मैंने इसलिए इसका शूट कर लिया था कि आपने जहाँ से बस देखा वहाँ से स्टार्ट है, पूरा यहाँ तक अभी कंटिन्यू ही है, उसका स्कूल ही है पूरा यहाँ तक। मुझसे बहुत लोग मांगे थे, मतलब इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो बना लिया है, तो मैंने इसमें ऐड भी कर दिया। जो मेरा ब्लॉग देखेगा, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा। ये देखिए ऊपर लिखा है शिवनादर स्कूल, इसका स्कूल जो है। एवरीवन, देखा आपने, मैं अभी मतलब हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से जाकर आ रही हूँ, बहुत थक गई मैं। हम लोग गए थे करीब 12 बजे, आते आते 3:30 हो गया, हम लोग को बहुत थक गए क्योंकि मेरे यहाँ सोने का टाइम होता है ना, और मैं इस टाइम सो नहीं पाई हूँ, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। तो अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं, ये देखिए मैंने लगवा लिया इधर,
बहुत दर्द कर रहा था, मैं तो लगवा ही नहीं रही थी, आपने वीडियो में देखा होगा मुझे डिम्पल, मैंने कहा आप पूरा गुस्सा देते हो मैं नहीं लगवाऊंगी, बोले नहीं दर्द नहीं होता आप उधर मत देखो, तो हो जाएगा एटलीस्ट, मैं लगवा लिया है मैंने। बहुत गर्मी थी बाहर, बहुत गर्मी थी, तो मैं सोची वीडियो एंड कर लूँ। वैसे मेरा मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं था, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था क्योंकि ये सोने का टाइम है ना मेरा, मैं इतने टाइम दोपहर में पहले ही आधा घंटा सोऊं सके सोती ज़रूर हूँ, तो मैं सो नहीं पाई हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा है और धूप भी बाहर थी तो इसीलिए, लेकिन मैं सोचा वीडियो एंड कर दूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जो भी होगा अगला वीडियो उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।